नमस्ते और स्वागत है आपका अपने चैनल आयुर्वेदार्था में। आज के लोग भले ही महुआ के बारे में कम ही जानते हैं, लेकिन पुराने जमाने के लोग इसका इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में करते थे। औषधीय गुणों से भरपूर महुआ का प्रयोग आयुर्वेद में बहुत सी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसके पत्ते से लेकर बीज तक में औषधीय गुण पाए जाते हैं। महुआ का पेड़ भारत में मुख्यतः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है। आदिवासी समुदाय के पुरुष और महिलाएं उत्सव पर इसका इस्तेमाल पेय के रूप में करते हैं। आयुर्वेद में महुआ का इस्तेमाल अनेक प्रकार की बीमारियों का इलाज के लिए किया जाता है। महुआ में प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार महुआ के पेड़ की छाल डायबिटीज के रोगी के लिए उपयोगी है। जो लोग दांत दर्द से परेशान रहते हैं तो वो इसके छाल का इस्तेमाल करें। महुआ में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो त्वचा में होने वाले सूजन और जलन को कम करते हैं। महुआ के फूल को घी के साथ भूनकर सेवन करने से बवासीर में आराम मिलता है। महुआ के कुछ घरेलू उपयोग भी हैं, जैसे शरीर के जले हुए स्थान पर इसकी जली हुई पत्तियों को घी में मिलाकर लगाने से आराम मिलता है। इसके फूल से कई प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे हलवा, लड्डू, जैम, बिस्कुट, सब्जी आदि। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के आदिवासी अधिकतर गुड़ की जगह पर महुए के पाक का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के लोग इसके साथ रोटी खाना पसंद करते हैं। महुआ की पत्तियाँ मवेशियों के चारे के रूप में काम आती हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम आपके लिए लाते रहेंगे आयुर्वेद से जुड़ी ऐसी ही और जानकारी। तब तक के लिए धन्यवाद।